बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले के प्रभारी ओपीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद पहुंचे बाराबंकी। शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जाना हाल। शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद पहुंचे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है, जहां जिले के प्रभारी ओपीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद पहुंचे। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बाराबंकी शहर में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शहर के उज्ज्वल नगर समेत कई इलाकों में पहुंचकर वहां का हालत जाना। उन्होंने वहां राहत और बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में बीते दिनों भारी बारिश के बाद बाराबंकी शहर में अब भी बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। शहर के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जहाँ NDRF, SDRF, PSC और पुलिस प्रशासन राहत और बचाव का कार्य करने में जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से आज यहाँ आना हुआ है। बाराबंकी जनपद में भी जो वर्षा हुई है तो व्यापक रूप से यहाँ देखने को मिला कि जल भराव और काफ़ी लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को कठिनाई और परेशानी और नुकसान हुआ है। और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आज यहाँ सांसद जी, हमारे मंत्री, पार्टी के संगठन, विधायकगण, पूर्व विधायक, जिला पंचायत, सभी लोग विचार विमर्श भी हुआ और कुछ स्थल भी देखे जहाँ जल भराव और लोगों को कठिनाई हो रही है। और निरीक्षण में ये पाया गया है कि जिला प्रशासन से यहाँ जो बात की गई है, राहत के कार्य चल रहे हैं, पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि खुद सांसद हों या विधायक हों, मंत्रीगण हों, सीधे फील्ड पे हैं और चाहे जल निकासी की बात हो, पंपिंग सेट्स की बात, लगाने की बात हो, उसका इंतजाम किया जा रहा है। क्योंकि जो पानी छूट गया है, जब पानी वापस जा रहा है मगर कुछ जल भराव रह जा रहा है, उसके लिए जिला प्रशासन से कहा है कि पंपिंग सेट का इंतजाम करें और तुरंत वहाँ की जल निकासी का इंतजाम किया जाए। और साथ ही साथ अब जो स्थिति आएगी आने वाले 15 दिनों में, छिड़काव किया जाएगा, बीमारियों से दूर होने के लिए व्यवस्थाएँ बनाई जाएंगी, साफ़ सफाई की व्यवस्था करानी है। CMO से भी, सिंचाई विभाग से, बिजली विभाग से, लोक निर्माण विभाग से, सभी अधिकारियों से चर्चा की गई है। यहाँ सड़कों का नुकसान हुआ है, वहाँ गड्ढा मुक्त अभियान चला के तुरंत, जैसे ही वर्षा थोड़ी और कम होती है और जल भराव कम होता है तो मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करेंगे। जिला जो हमारे CMO हैं उनसे दवाई और तमाम उन व्यवस्थाओं का इंतजाम रखने को कहा गया है, क्योंकि आने वाले समय में बीमारियों का डर रहता है। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से यहाँ नज़र बनाए हुए है और प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बिजली विभाग के भी अधिकारियों से कहा गया है जो नुकसान हुआ है और जो उनके फीडर वगैरह में नहीं चल रहे हैं तो जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर उनकी मरम्मत करा के चालू कराएं। जो कॉलोनियों में बिजली नहीं आ पा रही है, कहीं तो जानबूझ के रोकी गई है जहाँ जल भराव है, क्योंकि वहाँ बिजली नुकसानदायक हो सकती है, लोगों की जान का और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। मगर जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने की बिजली विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कहीं कोई कमी आएगी तो जवाबदेही भी तय की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।